जय श्री राधे। हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज आपको एक सेटअप दिखा रहा हूँ जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन है। मतलब इसमें आपको कुछ भी फिटिंग नहीं करना है, ये सारा फिट आएगा। ये सेटअप कौन सा है आपको दिखाता हूँ, आइए। ये हमने हमारी एग्जीबिशन में लगाया हुआ है और इस सेटअप को जो कंपनी के ओनर हैं वो खुद भी यहाँ पे हमारे साथ थे और मैं आपको इस सेटअप के बारे में डिटेल बताता हूँ। वो सेटअप है KBX का, आप लोग बैनर देख सकते हैं, वेलकम टू KBX डिजिटल साउंड लिखा हुआ है इन्होंने और यहाँ पे कई सारे डिटेल दिए हुए हैं इन्होंने। इस पे बैनर पे कुछ नंबर भी है, हमारी शॉप का एड्रेस भी है। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ से इनका डिजिटल कैटलॉग देता हूँ जो कि आप लोग देख के इसे जो इसका क्या बोलेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कैटलॉग को। तो आइए मैं आपको कैटलॉग दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये है इनका कैटलॉग, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसे ओपन करके कभी भी इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और यहाँ से आपको मैं इनका सेटअप दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी मोटा हैवी सा सेटअप है। इसमें हर एक बेस जो लगा हुआ है ये डुअल 18 वाला है। इसमें एक कैबिनेट में दो स्पीकर है और कैबिनेट भी काफ़ी कमाल की है। कंपनी ने 8000 वॉट लिखा हुआ है कैबिनेट पे। ये 8000 वॉट क्या है मैं आपको फंडा समझाता हूँ। इसमें एक कैबिनेट में दो स्पीकर है, जिस एक स्पीकर का वोल्टेज 2000 है। 5 इंच वॉइस कॉइल का ये स्पीकर पैरेलल कनेक्ट करे गए हैं ताकि ये 2000 प्लस 2000 मतलब 4000 वॉट हो जाए और दो कैबिनेट का वोल्टेज मिला के जो होता है वो 8000 होता है, वो टाइप में इसका मॉडल लिखा गया है। अपनी ब्रांडिंग कंपनी ने ऊपर कर रखी है जो कि CNC कटिंग वाली है, आप लोग देख सकते हैं। कैबिनेट के बारे में मैं बोलूँगा, अमेजिंग सा फिनिश है और अभी इसका साउंड टेस्ट भी हो रहा है तो आपको साउंड टेस्ट की भी वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं जो इन्होंने मिड टॉप और लाइनर है जिसको बोला जा रहा है वो जो दिए हैं। हालांकि ये ग्रिल जो है मतलब काफ़ी बड़ी है, लाइनर इतना बड़ा दिखता नहीं है लेकिन इसमें मटेरियल भी उतना डला है। आपको एक ओपन लाइनर में दिखाता हूँ जिसपे क्या क्या लगा हुआ है, उससे आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये एक हॉर्न लोडेड लाइनर है। इसमें स्पीकर आपका पीछे लगाया गया है, सामने हॉर्न डेवलप किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये फ्लेयर्स देख सकते हैं। फ्लेयर ये एक फ्लेयर है जिसमें दो HF है, एक HF 120 वॉट का है तो 4 HF जो होते हैं वो 480 वॉट के होते हैं। मतलब ऐसा लाइनर है जिसमें 480 वॉट के HF लगे हुए हैं और दो स्पीकर लगे हुए हैं। इस टाइप का ये कैबिनेट है, पीछे भी काफ़ी डीप बड़ा है इसका, आप लोग यहाँ से इसका पीछे से डीप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसको पकड़ने के लिए दो हैंडल है। काफ़ी अच्छा वेट है इसका, CNC कटिंग वाला बॉक्स है, यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। ब्लैक कलर के पेंट फिनिश में है और ग्रिल वगैरह भी काफ़ी हैवी है, 16 गेज की ग्रिल है। कंपनी ने मतलब एक टाइप ऑफ क्या पावर दिखाने की कोशिश की है, अपने इस सेटअप को दिखा के, और वाकई दिख रहा है वैसा सेटअप। आप लोग कैबिनेट देख सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट कैबिनेट है। मतलब इसमें मैं आपको अगर थोड़ा दिखा पाऊँ तो कैबिनेट के अंदर स्पीकर कैसा फिट है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्पीकर जो है, स्पीकर की फ्रंट वाली साइड यानी कोन वाली साइड यहाँ होती है और ये वाली साइड से आप लोग मैग्नेट देख सकते हैं इसका। ये आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेट और सॉकेट आपको दिख जाएंगे। और कैबिनेट का लुक भी जो है वो काफ़ी अमेजिंग सा है और ये जो पूरा सेटअप है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब साथ में रखा हुआ। अब इस सेटअप के प्राइसिंग के बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं, ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ आइए, जो कि आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस पर दी गई है पूरी डिटेल्स, इस पर नंबर भी दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है और यहाँ कैटलॉग भी दिया गया है, इनका वेबसाइट भी दी गई है,
इससे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या KBX को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एम्पलीफायर जो है हमने काफ़ी सारे लगा रखे हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के एम्पलीफायर्स पे इसको ट्राई किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पॉलिथीन को हटा देता हूँ। इसे कहते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक M12 है, उसके ऊपर AD9000 है और यहाँ पे Zyper Z8 रखा हुआ है। मतलब अलग अलग टाइप के एम्पलीफायर्स पे हमने बेस को टेस्ट किया है और इसका परफॉर्मेंस भी एम्पलीफायर के हिसाब से चेंज होता है। ऑल इन ऑल एक ही बात कही जा सकती है कि जितना अच्छा आपका एम्पलीफायर उतना अच्छा आपके स्पीकर्स का परफॉर्मेंस, जो कि यहाँ हम लोग देख रहे थे। इसके लिए अगर मैं आपको एम्पलीफायर रिकमेंड करूँ तो हमने देखा ये ऑडियोटोन AD9 पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, Zyper Z8 पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, MT1801 पे भी बहुत सुंदर रिस्पॉन्स दे रहा है। इन तीनों में से आप कोई भी एम्पलीफायर आराम से चला सकते हैं इस पर, और काफ़ी लंबी रेंज तक इसकी आवाज़ जा रही है, क्योंकि हमने इसे जब टेस्ट किया तो बहुत दूर तक लोगों ने जाके इसे सुना और परफॉर्मेंस इसकी देखी है। उसके बाद लाइनरी की मैं बात करूँ, क्योंकि ये थ्री वे सेटअप है, थ्री वे में आपके यहाँ से मैं बताता हूँ, जैसे ये दो स्पीकर्स आपस में कनेक्ट हो गए और उसके साथ ये दो HF लग गए, तो ये हुआ एक साइड और दूसरी साइड में ये हुए दो HF सिर्फ, यानी कि आपको इसे चलाने के लिए दो अलग एम्पलीफायर देने हैं, एक जो आपके दो स्पीकर दो HF बजाएगा और एक एम्पलीफायर जो सिर्फ दो HF बजाएगा। इस टाइप से ये चलता है, लाइनर है, थ्री वे बोलते हैं इसे, और इस सिस्टम को चलाना इजी तो नहीं होता है, लेकिन आपको अलग अलग एम्पलीफायर यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन मज़ा आता है जब ये सेटअप सुनाई आता है, क्योंकि इसकी क्लियरिटी बहुत अमेजिंग होती है। इसके अलावा इसका जो क्रॉसओवर सेटिंग होता है डिजिटल से या एनालॉग से, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें आपको कई सारी फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ करना पड़ता है ताकि आप लोगों को वो ना झेलना पड़े जिसमें क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ओवरलैप हो या मिसमैच हो। चलिए अब आगे देखते हैं इसका डिटेल। तो आपको मैं इस सेटअप का प्राइसिंग बता देता हूँ। चलिए, हमने यहाँ पे इसे लिख भी रखा है कि ये पूरा सेटअप जिसमें 6 डुअल बेस हैं, हॉर्न लोडेड वाले लाइनरेज हैं जिसमें 750 के 4 HF हैं एक लाइनर में और 400 वाट के दो स्पीकर्स हैं, उसके अलावा इसके साथ जो है 3 एम्पलीफायर, अगर आप VP12000 यानी ऑडियो स्टैंडर्ड के लेते हैं, 3 एम्पलीफायर 3000 वाट के लेते हैं, और 3 एम्पलीफायर जो कि आप R1000 के लेते हैं जो कि HF बजाने के लिए है, इसके साथ एक क्रॉसओवर हुआ, एक मिक्सर हुआ, इसका पूरा वायरिंग हुआ, आपके सेटअप का प्राइसिंग जो जाता है 9,15,000 रुपये का जाता है, जो कि 6 बेस और 6 लाइनरे के लिए है। आप लोग इसमें से 2 बेस 2 लाइनरे या 4 बेस 4 लाइनरे वाला सेटअप भी बना के ले सकते हैं। एक्चुअली 4 बेस 4 लाइनरे में ये हमने टेस्ट भी किया था, बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसे भी देने का, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो रोड शोज़ होते हैं उसमें जो व्हीकल्स लगते हैं, जैसे कि 407 गाड़ी लगती है या ट्रक लगते हैं, ट्रैक्टर लगते हैं या दूसरी कोई गाड़ी लगती है, बोलेरो पिकअप्स वगैरह लगते हैं, उसमें ये बहुत ईजिली फिट हो जाता है, और कई जिनमें ये नहीं हो पाता है उसके लिए आप बाहर ढांचा बना के इसे लगा सकते हैं। जनरेटर आपको सामने की साइड रखना होता है ताकि बैलेंस जो है होता रहे वेट का, और ये सेटअप आपका अमेजिंग परफॉर्मेंस देता रहे। तो आप लोग अब अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि एक सुंदर सा टेस्टिंग आउटडोर वाला आपको दिखाया जाए और उसके दौरान आपको इसको समझने का मौका मिल पाए।
तो कैसा लगा आप लोगों को इस सेटअप का टेस्टिंग? टेस्टिंग के दौरान अगर आप लोगों ने हेडफोन पे इसे सुना होगा तो आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आया होगा, क्योंकि ये आनंद आने वाली चीज थी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि सामने रह के आप लोग सुन सकने जैसा था। मतलब कि इतने सारे बेस, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन, पंच, उसमें फिर HF अलग से भी, थ्री वे वाला सेटअप, तो इसकी क्लैरिटी जो थी अमेजिंग सी थी। इसके अलावा आपको मैं इसका तीन पार्ट का आपको प्राइजिंग देता हूँ आज। अगर आप लोग मान के चलते हैं कि ये वाले दो बेस और दो लाइनरें लेना चाहते हैं तो इसके साथ आपको तीन एम्पलीफायर, मिक्सर, क्रॉसओवर, डीजे बेल्ट, वायर सभी कुछ आता है। लगभग 3.5 लाख रुपए का वो सेटअप बन जाता है। तो दूसरा पार्ट है जिसमें है कि चार बेस और चार लाइनरे वाला, जिसमें बेस के लिए आपको दो एम्पलीफायर मिलेंगे चार बेस के लिए, और चार लाइनरे के लिए आपको दो एम्पलीफायर जो लाइनरे बजेंगे और दो HF बजाने के लिए अलग एम्पलीफायर, मतलब टोटल 6 एम्पलीफायर। इसके साथ मिक्सर, क्रॉसओवर, वायरिंग, सारा सेटअप लगभग 6,80,000 रुपये तक जाता है। और बाकी रहा आप 6 बेस और 6 लाइनरे वाला सेटअप, जो कि बहुत हैवी, बहुत ही पावरफुल था, वो लगभग 9,15,000 रुपये का पूरा सेटअप बैठ रहा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा सेटअप कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा, हैवी और दमदार सेटअप था। और लेने के लिए आप लोग जानते हैं कि ऑफिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं या नज़दीकी डीलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी शेयर करने की कोशिश करी है। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।